हमारी बिटिया रानी रसगुल्ले की तरह बहुत ही स्वीट है और आज हमारी बिटिया रानी खुद स्वयं रसगुल्ला बना रही है और इसकी मिठास मत पूछिए, वो सारे मिठाइयाँ फीकी पड़ गई। दोस्तों, हमारे बिटिया रानी के लिए तो पंक्ति, बर्फ पे चंदा की परछाई रसगुल्ला, चमचम जी का दूर का भाई रसगुल्ला, चुटकी से हर बार छिटक कर गिर जावे, हाथ नहीं आवे हर जाई रसगुल्ला। गुड़िया रानी गाल फुलाए बैठी थी, हमने एक तरकीब लगाई रसगुल्ला, बेगम ने डांटा तो भूखे सोए हम, एक परी सपने में लाई रसगुल्ला। कोई नहीं जिसे कोई लज्जत हासिल हो, खुद की इकलौती भरपाई रसगुल्ला। हम मिसरे पर आंख मुंदे और वाह उठे, ऐसी दिलकश एक रुबाई रसगुल्ला। बर्फी, इमरती, लड्डू अपनी अपनी जगह, सबसे ऊपर एक मिठाई रसगुल्ला। क्या लड़ना, उड़िया है या बंगाली है, पूरे भारत की जियाई रसगुल्ला। दोस्तों, अंतिम पंक्ति है, जंगल में कुछ लाख बरस भटका इंसान, फिर उसने एक चीज बनाई रसगुल्ला। ये जबरदस्त हमारी पंक्तियां हैं जिसको आप सुनकर जो है अच्छा लगा होगा। आशुतोष त्रिपाठी, जिसका नाम है हर्फ, जिसको कहते हैं, उनकी ये कविता है और मैं आप लोगों को ये कविता समर्पित किया। और मैं अपनी बिटिया रानी के बारे में दो ही शब्द कहूँगा कि अभी से वो होनहार है मेरी बेटी, सबसे दुलारी है वो मैं है मेरी बेटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।